एवरीवन, तो कई दिनों से आप लोग मुझसे पार्सल ड्रॉप टाइम टेबल के ऊपर वीडियो मांग रहे थे एंड मैं डिले करते जा रही थी, वो इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि नीट के स्कैम के कारण सारे ही नीट एस्पिरेंट का पढ़ाई पे से ध्यान तो हट ही चुका था एकदम से एंड सब लोग स्कैम के पीछे ही पड़े हुए थे, इसलिए इन सारे वीडियोज में डिले हो गई। एंड आप लोग पार्सल ड्रॉप स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो चाहते हो तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है चैनल पे। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद 2 साल पार्सल ड्रॉप के साथ नीट की तैयारी करी है एंड पार्सल ड्रॉप के साथ ही मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि आपको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से आपको आगे चलना है कि आप कॉलेज के साथ साथ नीट में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो देखो, री नीट के लिए बात करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है। तो री नीट के चांसेस में आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि आप खुद सोचो कि जिसके मार्क्स आए हैं अभी 659 एंड उसके रैंक है 22,000, तो वो कहां से जस्टिफाइड है, ये कहां से सही है? एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था कि इतना ज्यादा रैंक बढ़ जाए, तो ये कहीं से भी सही नहीं है मेरे नजर में, क्या किसी के नजर में सही नहीं है। एंड इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए भी, मतलब उसके साथ भी ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो रैंक डिजर्व करता है बच्चा, वो उसको मिला ही नहीं है। 659 इज वेरी गुड स्कोर, तो ये वाला रैंक वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। एंड 659 पे उसकी रैंक जो होनी चाहिए वो लाइक अंडर 5,000 होना चाहिए था, तो मेरे अनुसार तो रीनिट होना ही चाहिए एंड आई एम श्योर कि रीनिट जरूर होगा। तो मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि जो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं अपना बता दूं तो मेरा जो सेकंड ड्रॉप था वो फिजियोथेरेपी के साथ किया था मैंने, ठीक है? और फिजियोथेरेपी में कैसे एडमिशन लेते हैं, तो वो एक एग्जाम होता है हमारे यहाँ बिहार में BCECE करके, जिसको आपको देना होता है एंड उसमें आपकी रैंकिंग जैसी आती है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कोर्सेज हैं वहां पे, वो कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, ठीक है? तो उसमें फिजियोथेरेपी भी होती है, इसके अलावा और भी लैब टेक्नीशियन और भी नर्सिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें भी वहां पे होती है, तो उन सारी चीजों में भी एडमिशन होता है। फिर थर्ड ड्रॉप में मैंने BMS में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि नीट 2021 में मेरे 568 मार्क्स आए थे, ऑल इंडिया रैंक 34,000 थी, तो मुझे मेरे अपने ही स्टेट का BMS कॉलेज मिल गया था पटना का, तो वहां से मैंने पार्सल ड्रॉप किया एंड उसके बाद नीट 2022 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ विद 620 मार्क्स एंड मेरे रैंक आए थे 12,000, ठीक है? मैनी ऑफ यू आर आस्किंग मी कि दीदी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए कोई अच्छी बुक बता दो, तो मैंने जो पर्सनली खुद भी यूज करी अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, वो थी ये MTG की 37 ईयर की प्रीवियस ईयर की बुक, जिसमें कि आपको 1988 से लेकर 2024 तक के सारे ही क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं एंड विद डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये बुक जो है इसमें आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ ही टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये केमिस्ट्री की बुक है, हर एक चैप्टर में आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करे गए हैं, सो दैट कि आप ये जान पाओ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे ही क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे जाएंगे। इस बुक में आपको एक लिंक प्रोवाइड करी गई है, उस लिंक के थ्रू आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस के एंड उसके साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन का इस बुक में डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। डिटेल आपको हिंट एंड सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हर चैप्टर के एंड में। इस बुक को आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए। पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक मैंने भी यूज करा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए एंड इसमें आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे जितने भी अभी 2024 तक पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको एक QR कोड एंड एक लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है जिसके हेल्प से आप वीडियो सोल्यूशन का एक्सेस पा सकते हो। एक QR कोड इस बुक में आपको प्रोवाइड करा जाएगा जिसको स्कैन करके आप पेडागोग एप्लीकेशन पे भी एक्सेस पा सकते हो एंड यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो एंड 37 ईयर बुक का आपको डिजिटल रेप्लिका भी यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस बुक को लेने के बहुत सारे ही फायदे हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर एंड उसके डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे गए हैं, तो मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं जहां से आप इजिली इस बुक को बाय कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी पार्सल ड्रॉप करना चाहते हो तो मैं उनको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पार्सल ड्रॉप हम किस किस सब्जेक्ट में, किस किस कोर्स में हम पार्सल ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप BSc नर्सिंग ले सकते हो, आप BMS के साथ जा सकते हो, BHMS के साथ जा सकते हो, BSc जूलॉजी भी जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, BDS के साथ भी आप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? अब थोड़ी सी ये चीज हम बात कर लेते हैं कि कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है, क्योंकि ये वाला कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को है। तो देखो, आप जो भी कोर्स लोगे BHMS BMS BDS, तो यहाँ पे हर जगह ना कॉलेज की टाइमिंग जो होती है वो 9 AM टू 5 PM, यहाँ पे 5 PM होगा,
सो 9 AM to 5 PM तक होती है, तो इतना क्लास तो कॉलेज का टाइमिंग यही रहता है जनरली, जैसे MBBS का रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो लोग भी पार्सल ड्रॉप के साथ जाएंगे वो डेली कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे, आपको डेली कॉलेज नहीं अटेंड करना है, क्योंकि आपका मेन मोटिव जो रहेगा वो कॉलेज अटेंड करना एंड वो वाले कोर्स में ही अच्छे से पढ़ाई करना नहीं रहेगा, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको कितने दिनों तक कॉलेज आना है, कितना कॉलेज आपको अटेंड करना है। तो मैं आपको बोलूंगी कि वीकली 2 से 3 दिन तक आप कॉलेज जाओ, उसके अलावा आप अपने घर पे रहो, जहां भी हॉस्टल पे रह रहे हो वहां पे रह के पढ़ाई करो, ठीक है। इसके बाद अगर मतलब आप पार्सल लोग के साथ जा रहे हो तो लास्ट का जब टाइम आएगा ना, नीट का 2-3 महीना बाकी रहेगा, तो आपको कॉलेज एकदम से कट ऑफ कर लेना है, आपको कॉलेज जाना ही नहीं है, आपको पूरा फोकस करना है अपनी नीट पे, क्योंकि आपने इस जो कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपने इस कोर्स में एडमिशन इसलिए लिया है ताकि आप पार्सल ड्रॉप कर पाओ, तो आपका पूरा ध्यान पार्सल ड्रॉप पे होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग टाइम टेबल जो मांग रहे थे तो वो टाइम टेबल भी मैंने आपके लिए बना दिया है, एंड मैंने कॉलेज के साथ भी टाइम टेबल फ्रेम करके यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और जिस दिन आप कॉलेज नहीं जाओगे उसके लिए भी लाइए, तो दोनों दिन के लिए आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हो कि आपको किस तरीके से अपना पूरा टाइम टेबल रखना है, ताकि आप बहुत ही अच्छे से नीट 2024 की प्रिपरेशन कर सको। आप पार्सल ड्रॉप के साथ तो थोड़ा आपको स्मार्टली भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस दिन भी आपका कॉलेज रहेगा ना, तो थोड़ा आपको जल्दी उठना पड़ेगा एंड आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है तो बाकी जो फुल ड्रॉप कर रहे हैं नीट एस्पिरेंट, उनसे तो आप थोड़े अलग हो चुके हो, तो आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन भी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो 6 से 7 के बीच में आपको उठ जाना है, ठीक है, और डेली रूटीन की जो भी चीजें वो करके, एंड प्लीज योगा मेडिटेशन जरूर करना, 10 मिनट के लिए करो लेकिन करना, ठीक है। तो ये 6 से 7 के बीच में आप ये सब कर लोगे। 7 से 8:30 के बीच में आपको बायोलॉजी की NCERT रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि सुबह में आपका माइंड बहुत ही ज्यादा फ्रेश रहेगा, तो सुबह पढ़ लोगे तो मतलब एकदम से छप सा जाएगा। तो कोशिश करना कि डेली आप ये वाले टाइमिंग में बायोलॉजी NCERT की रीडिंग कर लो, फिर 8:30 से 9 के बीच में आपको कॉलेज के लिए रेडी हो जाना है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज जिस दिन आपको जाना है उस दिन 9 बजे से आपका कॉलेज रहेगा, तो आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो 9 से 5 आपका कॉलेज रहेगा, ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन इस कॉलेज के टाइम पे भी आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, एंड थोड़े मतलब आपको टाइम जहां भी बच रहे हैं आपका टाइम, तो उसको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना आपको बताती हूँ। जैसे देखो, कॉलेज में ब्रेक होता ही है, 1 से 2 बार ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक वाले टाइम को यूटिलाइज कर लो। कोई क्लास बंक रह गया, ठीक है, या फिर कोई क्लास में ऐसा टीचर पढ़ा रहे जो इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उस वाले टाइम को भी आप यूटिलाइज करो, एंड अपने शॉर्ट नोट्स आप लेके जाया करो कॉलेज, ठीक है, फॉर्मूला नोट्स लेके जाया करो एंड उसको रिवाइज कर लो उतने ही देर में, क्योंकि आपका मेन मोटिव अपना कॉलेज अटेंड करना एंड उसके लेक्चर्स लगाना एंड उसको अच्छे से करना नहीं है, आपका मेन मोटिव आपको नीट क्रैक करना है, ठीक है। आपने बस पार्सल ड्रॉप एक जरिया बनाया है, मतलब पार्सल ड्रॉप को एंड इस कोर्स को लेके, ठीक है, तो ये वाले टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, एंड यहाँ पे ये वाली चीज अगर आप रिवाइज कर लोगे, तो आप मतलब सोच रहे हो फिजिक्स का 2 से 3 चैप्टर अगर आप डेली जाके कॉलेज में रिवाइज कर लेते हो, उसके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हो, तो आपका टाइम कितना अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा कॉलेज वाला भी। फिर आप 5 बजे तक कॉलेज से आओगे, 5 से 6:30 आपको अच्छे से रेस्ट कर लेना है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इतना ज्यादा आपका ब्रेन खर्चा हो गया रहेगा ना कॉलेज में। फिर 6:30 से 8:30 के बीच में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, जो भी आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो, मतलब जो भी आपका बाकी रह गया हो कुछ सिलेबस, मतलब मैं आपको ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि वो बच्चे पार्सल ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं, मतलब जिन्होंने कुछ पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपका मेजर चंक बाकी होगा, आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, जो भी चीजें आपकी बाकी रह गई होंगी या जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, जो भी चैप्टर को आप रिवाइज करना चाहते हो या फिर नए सिरे से पढ़ना चाहते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप इस वाले टाइम में उसको पढ़ना। फिर 8:30 से 9 बजे तक के बीच में आपको डिनर कर लेना है, 9 से 10 के बीच में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपके क्वेश्चन है, नोट्स के क्वेश्चन हो गए या फिर DPP क्वेश्चन हो गए या फिर कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो आप, तो वो करना है। 10 से 12 के बीच में आपको फिर से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, मान लो कि कुछ छूट गया, फिर कुछ बाकी रह गया या फिर कुछ आपका बैकलॉग हो गया, तो वो वाले वीडियो लेक्चर्स देख लेना, एंड थोड़ा सा टाइम निकाल के 15 से 20 मिनट आपने पूरे मतलब दिन में क्या ही पढ़ा है आज, उसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलेज वाले दिन को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी गाइस, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही ज्यादा आप टायर्ड हो जाओगे कॉलेज आने के बाद, लेकिन आपको करना पड़ेगा इतना अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो। तो अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं, जिस दिन कॉलेज नहीं होगा, जिस दिन कॉलेज नहीं होगा उस दिन भी आपको सुबह उठने की कोशिश करनी है। देखो, आप आदत लगा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 6 से 7 के बीच में आपको
उठ जाना है, अपने डेली के रूटीन के वही सारे काम कर लेने हैं, योगा कर लेना है, 7 से 9 के बीच में आपको फिर से एनसीईआरटी बायोलॉजी को रिवाइज कर लेना है, पढ़ना है उसको, 9 से 9:30 के बीच में आप एक ब्रेक ले लो क्योंकि आपने थोड़ी देर पढ़ाई की है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा बाहर घूम लो या फिर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो वो कर लो, कुछ भी कर सकते हो फ्री इस फ्री टाइम में। फिर 9:30 से 1 के बीच में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, जो भी आप वीडियो लेक्चर्स पढ़ना चाहते हो, जहां से भी आप पीडब्ल्यू हो या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो वहां के वीडियो लेक्चर्स देखो, अपने जो भी आपके चैप्टर्स बाकी रह गए हैं, जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है वो कर लो। 1 से 2 के बीच में आपको लंच कर लेना है, ठीक है। फिर 2 से 4 के बीच में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं, मान लो जो आपको डीपीपी मिल रहा है या फिर कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो वो कर लेना। फिर 4 से 5:30 के बीच में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ नोट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या होता है कि नोट्स से जब हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो उस नोट्स को हम उठा के देखते ही नहीं है फिर, जबकि नोट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ रहता है क्लास के टाइम पे जो हमें टीचर सॉल्व कराते हैं, एंड वैसे क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है एग्जाम में, तो आपको अपने नोट्स के क्वेश्चन को भी नहीं भूलना है। तो इस वाले टाइमिंग में आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं, जो मैंने बुक आपको बताया दिशा पब्लिकेशन का 37 ईयर का बुक ले लेना, एंड वहां से पीवाईक्यू जरूर लगाना गाइस, पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा मस्ट है, यही से आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व करने हैं, जिस तरीके के पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं, तो वहीं से आपको आइडिया लगेगा। तो नोट्स के क्वेश्चन कर लेना, फिर 5:30 से 6 के बीच में आपको एक और ब्रेक ले लेना है शाम को, फिर 6 से 8 के बीच में आपको वीडियो लेक्चर देखना है, फिर से मान लो कि दिन वाले टाइम में अगर आपका पूरा वीडियो लेक्चर के कंप्लीट नहीं होता है तो आप शाम के टाइम को यूटिलाइज करके यहां से वीडियो लेक्चर देखे कंप्लीट कर लेना अपना। फिर 8 से 9 के बीच में आपको डिनर कर लेना है, और आप अपने कॉलेज वाली चीजों को भी पढ़ना चाहते हो तो 8 से 9 के बीच में आप कॉलेज वाली चीजों को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो, गो थ्रू हो सकते हो कि कॉलेज में क्या चल रहा है, एंड 9 से 11 के बीच में आपको शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीट, इन सब चीजों को रिवाइज कर लेना है, एंड इसी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की भी रीडिंग करनी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो करनी है, तो इस वाले टाइम में आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़ना, एंड उसके बाद 11 से 12 के बीच में आपको एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा ही चांस रहता है कि आता है क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के इंटेक्स से एंड एग्जाम्पलर से, इस बार भी फिजिक्स में भी पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हो सके तो फिजिक्स के भी जितने भी इंटेक्स के क्वेश्चन है, मतलब अंदर जो एक्सरसाइज वाले नहीं बोल रही मैं, बैक एक्सरसाइज की नहीं बोल रही, जो भी इंटेक्स के अंदर वाले क्वेश्चन है वो जरूर करके जाना, बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो ये वाला टाइमिंग आपका पूरा टाइम टेबल रहेगा जिस दिन आपका कॉलेज नहीं होगा। सो आई होप कि मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि आपको किस तरीके से अपना टाइम टेबल फ्रेम करना है, डिटो यही नहीं करना है आपको, मैंने जो बताया ये एक आइडिया के लिए है, मैंने खुद भी इसको फॉलो किया है, तो मेरे को लगा कि ये चीज आपको भी फायदेमंद रहेगी, अगर मैं शेयर करती हूँ तो आप लोग बोल भी रहे थे टाइम टेबल के लिए, यहां से आप आइडिया लेके खुद का बना सकते हो कि आप अपना फ्रेम कर लो कि आप किस तरीके से आप अपना टाइमिंग रखना चाहते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मान लो कि आप सुबह नहीं उठना चाहते, थोड़ा लेट उठना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा शिफ्ट कर सकते हो टाइमिंग एंड पूरे स्लॉट्स को, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से काफी आपको हेल्प मिल गया है, एंड अभी भी कुछ डाउट है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, वहां मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं जल्द ही, पार्सियल ड्रॉप के ऊपर वीडियो आएगा एंड रीनीट के ऊपर भी वीडियो आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि रीनीट को लेकर एंड कैसे आपको प्रिपेयर करना है, मैं आपको बोल रही हूँ रीनीट जरूर होगा, देख लेना, एंड आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए अभी से, मैं बहुत सारे बच्चों को बोल रही हूँ, इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। सो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।